और अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज मेगा बैठक, समान नागरिकता कानून को लेकर मीटिंग में होगी गहन चर्चा, बोर्ड के 250 सदस्य होंगे शामिल। यूसीसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुई बात। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का एबीपी न्यूज पर बयान, कहा 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से नहीं है वास्ता, अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, कहा जो चीज ही नहीं उसका विरोध बेमतलब है, कई धार्मिक संगठनों से मांगी गई है राय। आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत, कहा भारत को और मजबूत बनाएगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का दावा, बोले यूसीसी का मतलब मजहबी दंगों से मुक्ति, यूसीसी आने से देश में दूर होगी जातीय छुआछूत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का यूसीसी पर बयान, कहा सभी धर्मों से बातचीत करके लाना चाहिए कानून, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपना रही है यूसीसी का हथकंडा। यूसीसी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान, कहा बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 20 साल से है, दो को लागू किया, अब तीसरे को लागू करने की हो रही है कोशिश। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का बयान, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केंद्र सरकार को तमाम पक्षों से करनी चाहिए बातचीत, सहमति के बाद बढ़ाए जाने चाहिए आगे कदम। मनजिंदर सिंह सिरसा का यूसीसी पर बयान, कहा सिख समुदाय के ऊपर नहीं पड़ेगा यूसीसी का असर, सिख समुदाय में पहले से ही होती आ रही है आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियां। समान नागरिक संहिता पर विधायक भास्कर जाधव का बयान, कहा यूसीसी के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी, हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शिवसेना यूबीटी नेता भास्कर जाधव का बड़ा बयान, यूसीसी पर बाला साहब ठाकरे की भूमिका पर कायम रहेगी शिवसेना, पहले ड्राफ्ट का इंतजार करेगी पार्टी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।